आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा सर, सेक्शन 128 ए के लिए जो नोटिफिकेशन आनी थी वो 8 अक्टूबर 2024 को आ गई। नोटिफिकेशन नंबर 21/2024। सर इस नोटिफिकेशन में बोला क्या है? भैया नोटिफिकेशन तो आ गई लेकिन अभी भी ना लोगों को कंफ्यूजन बहुत है। क्या कंफ्यूजन है इस वीडियो में क्लियर करेंगे, अंत तक बने रहना। भैया नोटिफिकेशन ने तो सिंपल बोला कि भैया जो 128 ए के अंदर तुम्हारा हमारे को इंटरेस्ट माफ करना है, तुम्हारी जो पेनल्टी माफ करनी है, उसके सारे प्रोविजन अप्लाई कब से होंगे? 1 नवंबर 2024 से। तो 1 नवंबर 2024 से ये वाली नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी। अब लोगों को कंफ्यूजन क्या थी कि भैया अगर हमने जो टैक्स की पेमेंट करी है तो वो टैक्स की पेमेंट कब तक हुई होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या लिखा कि रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम ए नोटिस और ए स्टेटमेंट और ए ऑर्डर रेफर टू क्लोज ए और क्लोज बी और क्लोज सी ऑफ सेक्शन 128 ऑफ द सेड एक्ट हैज बीन इशूड। कि अगर किसी व्यक्ति को नोटिस है, स्टेटमेंट है या कोई ऑर्डर है, ठीक है ना, अगर वो 128 ए के अंदर इशूड हो रखा है तो उसे टैक्स की पेमेंट कब तक करनी है? भाई 31 मार्च 2025 तक। अब एक व्यक्ति मेरे से पूछता है कि सर ऐसा है, मेरी बात को समझो, कि मैंने जो है ना टैक्स की पेमेंट 2 साल पहले कर दी थी 31 मार्च 2023 को, तो क्या मेरी पेमेंट कंसीडर की जाएगी? मेरे हिसाब से कंसीडर की जाएगी क्योंकि भाई टैक्स की पेमेंट तो हो रखी है, तो आपको इसका रिलीफ मिलना चाहिए। अब एक क्वेश्चन मेरे से एक व्यक्ति और पूछता है, सर मेरे को जो नोटिस आया है उसमें ना सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी है, मेरे को जो नोटिस आया उसमें सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी है, टैक्स की पेमेंट तो मैं ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन जो सेक्शन 73 का नोटिस है, जो सेक्शन 128 ए कहता है, उसके अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी का नोटिस है, उसमें टैक्स नहीं है, तो क्या मुझे रिलीफ मिलेगा? इस नोटिफिकेशन को जब पढ़ोगे, जब आप सेक्शन 128 ए को पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं मिलेगा। तो भैया बहुत जल्दी इसके ऊपर एक सर्कुलर भी आने वाला है, सर्कुलर आकर ये आपको बताएगा कि किस किस चीज में आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरे हिसाब से उन्हें भी बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम एक्ट की लैंग्वेज पढ़े तो एक्ट की लैंग्वेज में कहता है कि भाई अगर आपको नोटिस आया और उसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है, अगर आप टैक्स जमा कर देते हो तब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर पूरी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज को पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा सर एक केस और बताओ। सर केस क्या है कि सर हमारा ना सेक्शन 74 में मैटर चल रहा है, सेक्शन 74 का नोटिस इशू हो रखा है, लेकिन हम उस सेक्शन 74 के नोटिस को ले गए हैं कहां पर? अपील में ले गए हैं, और अपील में हमारी क्या लड़ाई चल रही है? सर ये सेक्शन 74 का नोटिस नहीं है, आप इसे 73 में करो। अब सर वो जो अपील है, अगर हम अपील में जा रहे हैं, अपीलेट अथॉरिटी में जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, तो वो ऑर्डर तो 31 मार्च 2025 तक नहीं आएगा, तो क्या मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा? आंसर इज यस। इन्होंने क्या लिखा है कि अगर तुम्हारा कोई मैटर ऐसा चल रहा है जो सेक्शन 74 में है और इस बात को लेकर है कि भाई तुम्हारा मैटर 74 का नहीं है 73 में, तो जिस दिन अपीलेट अथॉरिटी, जिस दिन अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना ये ऑर्डर पास कर देगी कि भैया आपका मैटर 74 का नहीं है 73 का है, तो उस दिन से, ठीक है ना, उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर, अगर आप दोबारा से टैक्स अपना जमा कर देते हो 73 के हिसाब से, तो भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये स्कीम 31 मार्च 2025 को एक्सपायर हो रही है? आंसर इज नो। 31 मार्च 2025 को एक्सपायर कब हो रही है? जिसके नोटिस पहले से आ चुके, जिसके ऑर्डर पहले से आ चुके। अगर आपका कोई मैटर ऐसा है जो 74 का है, आप उसे बेहिचक होके कहां पर लेकर जाओ? अपीलेट अथॉरिटी में। कहां पर लेकर जाओ? अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब आप उस मैटर को लेके अथॉरिटी में लेके चले गए, ट्रिब्यूनल में लेके चले गए, और उसका फैसला आता है 31 मार्च 2027, तो क्या आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 128 ए का? आंसर इज यस, क्योंकि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आने के बाद जैसे ही आप 6 महीने के अंदर अंदर उसका टैक्स जमा करा दोगे तब भी आप इसका रिलैक्सेशन ले सकते हो। तो यहां पर इस नोटिफिकेशन के आने के बाद गवर्नमेंट ने आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दी है, कुछ और कंफ्यूजन भी होंगी वो जैसे ही सर्कुलर आएगा क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसी अपडेट जाननी है, क्या है सेक्शन 128, क्या है सेक्शन 73, क्या है सेक्शन 74, तो हमारा गुरु द्रोणाचार्य बैच आ रहा है 8 दिसंबर से, इसकी जो बुकिंग है वो शुरू कर दी गई है। अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं करा है तो अपनी पेमेंट करके अपनी बुकिंग करा लो। और हाँ, मैगजीन कैसी लगी आपको मुझे बताना,
हमने अक्टूबर की मैगजीन में गुवाहाटी हाईकोर्ट की जजमेंट को एनालाइज करा, सफारी रिट्रीट की जजमेंट को एनालिसिस करा, और साथ के साथ में आईएमएस के ऊपर क्वेश्चंस दिए। आपको बताना कैसे लगे वो क्वेश्चंस, और अगर आपकी मैगजीन एक्सपायर हो रखी है तो आप अभी उसे रिन्यू करा ले, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि जो 128 ए के अंदर जो अभी प्रोसीजर आया है ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और मुझे किस टॉपिक पे और वीडियो बनानी है फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।